आखिर लाइट का नेचर कैसा है इसको समझाने के लिए सर आइजैक न्यूटन ने 1675 में कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी। इस थ्योरी में न्यूटन ने लाइट को पार्टिकल के फॉर्म में बताया जो कि मासलेस होते हैं और स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। न्यूटन ने उन पार्टिकल्स को कॉर्पस्कल्स नाम दिया। उनका कहना था कि कॉर्पस्कल्स की स्पीड डेंसर मीडियम में ज्यादा और रेयर मीडियम में कम होती है। इस थ्योरी से हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जैसे फिनोमेना को ठीक तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहे थे, जिससे सभी को यकीन होने लगा कि न्यूटन की थ्योरी सही है। बट अभी कुछ साइंटिस्ट न्यूटन की थ्योरी से सेटिस्फाइड नहीं थे और उसी समय डच साइंटिस्ट हाइगेंस ने 1678 में एक नई थ्योरी दी जिसमें उन्होंने लाइट को वेव की फॉर्म में बताया। मगर इनकी थ्योरी कोई मानने को तैयार नहीं था क्योंकि न्यूटन उस समय के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो सभी उनकी थ्योरी को सही मानते रहे। बट हाइगेंस की थ्योरी भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जैसे फिनोमेना को प्रूव कर दे रही थी। इस थ्योरी में हाइगेंस ने कहा कि लाइट एक मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव वो वेव होती है जिन्हें ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है और उस समय इस मीडियम को ईथर मीडियम माना जाता था, लेकिन बाद में प्रूव हुआ कि ईथर जैसा कोई भी मीडियम एग्जिस्ट नहीं करता है।